हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। तो देखिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एमसीक्यूज की आज क्लास नंबर 10 है। ओके, आज क्लास नंबर 10 है। इस हिसाब से हमने हर क्लास में मैंने 10 क्वेश्चंस लिए हैं, तो हमने 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ओके, 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब इसके बाद क्या करूँगी मैं, मुझे जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं, लाइक मैं जो भी क्वेश्चंस बनाऊँगी अब आगे, तो उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन तब तक मैं क्या करूँगी, आप लोगों के कंप्यूटर लिटरेसी के एमसीक्यूज कंटिन्यूस रहेंगे, ठीक है? तो आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होगा। बट फिलहाल के लिए मुझे जहाँ तक लगता है, ये आज मे बी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ये मैं लास्ट क्लास रख रही हूँ फर्स्ट आई एमसीक्यूज की, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ आपको, फर्स्ट आई रोल फंक्शन एंड इनिशिएटिव्स अ जनरल अंडरस्टैंडिंग, ये जो बुक है ये आपको इन सारे पोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे टी ओ, सी एफ एस ओ, असिस्टेंट मैनेजर आई टी, असिस्टेंट मैनेजर, हिंदी ट्रांसलेटर, असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड वन एंड आई टी असिस्टेंट। और मुझे बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है कि मैम क्या हमें पूरा जो बुक है वो पढ़ना है या फिर कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़ना है। तो देखो, आप सबको पूरा बुक पढ़ना है, ठीक है? जो सेलेक्टेड टॉपिक वाला जो पोर्शन आपके दिमाग में डाला गया है, वो सेलेक्टेड पोर्शन वाला टॉपिक क्या कर रहे हैं कि लोग इकट्ठा ही दो सब्जेक्ट्स को इकट्ठा मर्ज कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने सही क्वालिटी का मटेरियल दिया नहीं है। मतलब यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से कॉपी किया, देन पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। इतना ही किया उन लोगों ने, खुद से नोट्स फॉर्मेट में नहीं दिया है किसी ने, वो मैंने प्रोवाइड कर रखा है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ उसका लाभ उठाइए, मात्र 299 रुपीज़ में ये जो है बुक आपको मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ले लेना। मात्र 299 क्यों कहती हूँ मैं, एग्ज़ाम देकर आने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि भाई जो कंटेंट प्रोवाइड कर दिया गया है उसकी प्राइस ज़्यादा रखनी चाहिए थी, लेकिन 299 रखी है मैम ने। 100 मार्क्स का आपका जो है ये सब्जेक्ट है और 100 मार्क्स कम नहीं होते, तो प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए स्लाइड लगा देती हूँ मैं, इसका पीडीएफ लगा दूँ, सॉरी, क्लास 10 कहाँ चला गया, या और आज के ना क्वेश्चंस आपको देखे देखे जैसे लगेंगे, देखते क्या बहुत सारे लोगों को लगेगा कि भाई ये क्वेश्चन तो मैंने देखा है कहीं, ये क्वेश्चन तो मैंने देखा है। तो चलो स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इज़ नॉट ट्रू अबाउट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन पढ़ो, द हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन दिल्ली, येस, इट इज़ अ सिंगल रेफरेंस पॉइंट फॉर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू FSS, बराबर है। FSSAI हैज बीन इस्टेब्लिश अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, हाँ राइट है, FSSAI हैज इस्टेब्लिश फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। देखो अब ऐसा तो नहीं कि क्या कहे, इसका एग्जाम्पल के लिए कुछ अजीब सा एग्जाम्पल आ रहा था, लेकिन ठीक है। FSSAI ने इस्टेब्लिश नहीं किया है भाई इसको, FSS एक्ट 2006 ने इस्टेब्लिश किया है FSSAI को। ओके, समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन क्या, नॉट ट्रू, तो सही आंसर होगा हमारा ये, लेकिन नॉट ट्रू वाला है, ठीक है? बाकी सारे जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं वो ट्रू है, दिस वन इज ऑप्शन डी इज नॉट ट्रू। ओके, ये याद कर लो, ये याद हो गया होगा आपको, इतना आसान है, हमने बहुत बार पढ़ लिया इसको, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर कोड फॉर द फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड ऑन रेस्टोरेंट इज, तो FSDB फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड के लिए कलर कोड रेस्टोरेंट के लिए कौन सा है, तो वो है पर्पल, ठीक है? कौन सा है, पर्पल। नेक्स्ट, नेम द बुक विच कवर्स न्यूट्रिशियस ईटिंग हैबिट्स एट एन अर्ली एज, तो न्यूट्रिशियस ईटिंग हैबिट के लिए अर्ली एज के लिए क्या है, येलो बुक, कौन सी बुक है, येलो बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द FSS रेगुलेशन डिस्प्लेइंग FSSAI लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नंबर एट द फूड प्रीमाइसेस इज, तो लाइसेंस नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर फूड प्रीमाइसेस में दिखाना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन ऑफ अ सिंगल विंडो सिस्टम फॉर अप्लाइंग फॉर इम्पोर्ट क्लियरेंस इज कॉल्ड, तो देखो प्रोविजन इसे कहते हैं स्विफ्ट, क्या कहते हैं बच्चों इसको, स्विफ्ट कहते हैं, SWIFT। तो देखो स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है वो जान लो, लिख देती हूँ मैं, वेट, हाँ तो स्विफ्ट का फुल फॉर्म देख लो, सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड, ठीक है? तो ये सिंगल विंडो इंटरफेस है किस चीज़ के लिए, इंपोर्ट क्लियरेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अ प्रोविजनल एनओसी इज ग्रांटेड टू एन इम्पोर्टेड फूड कंसाइनमेंट विदाउट वेटिंग फॉर द लैब एनालिसिस रिपोर्ट. तो जो भी मटेरियल आता है इम्पोर्ट होता है, पहले उसकी टेस्टिंग होती है, चेकिंग होती है, और फिर ही उसके बाद में उसको एनओसी प्रोवाइड कर दिया जाता है अगर वो सेफ है तो. और फिर वो इम्पोर्ट जो भी इम्पोर्टेड फूड प्रोडक्ट्स है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो डोमेस्टिक मार्केट में. बट यहाँ पे कुछ ऐसे स्पेशल कंडीशंस होते हैं जहाँ पे आपको एनओसी बाद में लिया जाता है. पहले उसको जो है प्रोविजनल एनओसी देने के बाद प्रोविजनल एनओसी ग्रांट कर देते हैं और फिर उस फूड कंसाइनमेंट को आगे बढ़ाते हैं. क्योंकि देखो कुछ फूड जो है उनको स्पेशल स्टोरेज कंडीशन की ज़रूरत होती है. जैसे कोई फ्रोजन फूड वगैरह हो गया तो उसको आप ज़्यादा लैब में तो नहीं रख सकते ना. एनओसी मिलने तक अगर आप उसको लैब में रखोगे तो ख़राब भी तो हो सकता है. दैट्स वाई स्पेशल स्टोरेज कंडीशंस में बिना प्रोविजनल एनओसी देकर उस फूड को आगे बढ़ाया जाता है. और एक कंडीशन होती है अगर शेल्फ लाइफ, ठीक है, शेल्फ लाइफ जो है फूड प्रोडक्ट की कम हो 7 दिन, ठीक है, 7 दिन से अगर फूड प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ कम है तो वो भी फूड प्रोडक्ट जो है प्रोविजन एनओसी के द्वारा ग्रांट किया जाता है. ठीक है, इम्पोर्ट फूड प्रोडक्ट कंसाइनमेंट विदाउट वेटिंग फॉर लैब एनालिसिस रिपोर्ट. तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, द स्पेशल स्टोरेज कंडीशन. आप बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ये आंसर है. देखो यहाँ पे मैंने लिखा है मोर देन 7 डेज. यहाँ पे सही क्या होना चाहिए था, लेस देन 7 डेज. ओके, समझ में आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट CEO ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो करंट CEO है अरुण सिंघल जी, ठीक है, अरुण सिंघल जी, और राजेश भूषण जी क्या है, चेयरपर्सन है. ओके, श्री मनसुख मांडविया जी क्या है, हमारे यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के. और श्रीमती भारती पवार जी क्या है, हमारे स्टेट मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर की. ठीक है, तो याद रखना है, इसीलिए मैंने इकट्ठा इनके जो है ऑप्शंस रखे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इम्पोर्टेड फूड सैंपल्स आर सेंट टू NABL एक्रीडिएटेड लेबोरेटरीज व्हेन. तो जो इम्पोर्टेड फूड प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे हम जो NABL को भेजते हैं वो कौन से होते हैं, सैंपल रीटेस्टेड नहीं, सैंपल टेस्टेड फॉर द सेकंड टाइम नहीं, सैंपल चैलेंजेस इम्पोर्टर ने चैलेंज किया नहीं, सैंपल टेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम. जब फर्स्ट टाइम आप जो भी इम्पोर्ट प्रोडक्ट है आ रहा है जब वो फर्स्ट टाइम के लिए टेस्ट होता है तो NABL के लेबोरेटरी में जाता है. ठीक है, और जब रीटेस्ट होता है फिर सेकेंड टाइम के लिए तो फिर NABL ही उस रेफरल लेबोरेटरी को लेबोरेटरी के लिए जो सेकंड सैंपल होता है वो भेज दिया जाता है. तो NABL ही उसको एक्चुअली हैंडल करती है, एक तरह से देखा जाए तो NABL ही उसे एक तरह से क्या कहते हैं उसको ऑथराइजेशन देती है. ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा कि सैंपल टेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, फास्टैग का एम क्या है. तो फास्टैग का एम है इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ होलसम फूड नहीं, ये तो फसाए का रोल है. ट्रेन एटलीस्ट 1% इन फूड बिजनेसेस टू इंश्योर फूड सेफ्टी. जी हाँ, ट्रेनिंग देना है इसका काम. ठीक है, फास्टैग का काम क्या है, ट्रेनिंग देना है. अच्छा, फास्टैग का ना जो आपके तीन इसके जो स्टेजेस है, स्पेशल, एडवांस, बेसिक, तो इसमें ना टाइमिंग अब चेंज हुआ है. पहले जो टाइमिंग था वो अब चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड. तो वो जो चेंजेस हुआ है टाइम उसका टेबल मैं प्रोवाइड कर दूंगी, जो करेक्शन वाला PDF मैं प्रोवाइड करने जा रही हूँ आप लोगों को. जिन लोगों ने बुक परचेस किया डोंट वरी यार, करेक्शन का PDF दे दूंगी. और करेक्शन के PDF में कुछ नहीं, 2-4 पॉइंट ही जो है करेक्शन कराने हैं, तो वो मैं दे दूंगी. आप ऐसे देखोगे ओके याद हो गया, ऐसे हो जाएगा. तो एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है. और हाँ, एक बात मैं बता दूँ, मैंने ना 30 साल का प्लानिंग कर रखा है. ठीक है, एम रेलवे को ना मैं खुद 30 साल तक हैंडल करने वाली हूँ. तो ऐसा नहीं कि मैं भाग के जा रही हूँ कहीं, या फिर ऐसा नहीं कि भाई मैं काम ही नहीं करूँगी. तो आप लोग ना विश्वास रखो, जितना आपको दिया जा रहा है ना वो A1 क्वालिटी है. प्लस इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लिए जा रहे हैं और आपको सारी चीज़ें टाइम पर प्रोवाइड होगी, इसकी चिंता ना करें आप लोग. ठीक है, तो फास्टैग जो है वो ट्रेनिंग देता है किसको, पर्संस को, बिजनेस जो फूड बिजनेसेस है FBOs को इंश्योर करने के लिए कि फूड सेफ्टी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवांटेज ऑफ थर्ड पार्टी और प्राइवेट ऑडिटिंग इंक्लूड्स. तो देखो थर्ड पार्टी जो हम इंस्पेक्शन करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि भाई जो
स्टेट लेवल की अथॉरिटी है या फिर सेंट्रल लेवल की जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उन पे थोड़ा सा बर्डन कम आए, तो रिड्यूस द रेगुलेटरी फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन कंडक्टेड बाय सेंट्रल और स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी. ठीक है, ये क्या बोल रहा है, इंक्रीज करना बर्डन नहीं, ये क्या बोल रहा है, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी नहीं, ये कम कर देता है फ्रीक्वेंसी, वीकन द फूड सेफ्टी नहीं, स्ट्रेंथन द फूड सेफ्टी. तो सही ऑप्शन क्या है, सी इज द सही ऑप्शन. ठीक है, अब मैंने इसको इतना फास्ट फास्ट क्यों लिया और मैंने स्टार्टिंग में क्यों कहा कि भाई आपको ये क्वेश्चन देखे देखे जैसे लग रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके पिछले साल के पेपर में आए थे, असिस्टेंट का पेपर में मैंने इसको इस क्वेश्चन को उठाया असिस्टेंट के पेपर से, तो 2019 में ये क्वेश्चन आए थे. और अगर आपको सारे क्वेश्चन बन रहे तो कॉन्ग्रेचुलेशन, और ये सारे क्वेश्चन आपको देख कर लग रहा होगा कि मैम ने बुक तो सही बढ़िया बना रखी है, तो उसी बुक से इन्हीं का रेफरेंस लेके मैंने बुक बनाया है, तो प्लीज़ परचेस कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और अच्छे से पढ़ाई करो. ओके, थैंक यू.